जो झारखंड जे टेट के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यू सिलेबस के साथ हम लोग जे टेट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर सामाजिक विज्ञान के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये इतिहास का चैप्टर थर्ड वैदिक सभ्यता और महाजन पद काल इस पर आपके एमसीक्यूज सी बेस्ड हैं और याद रहे ये पेपर टू सिक्स टू एट वालों के लिए हैं सो so, आपका पहला सवाल है महाजनपद काल से निम्नलिखित तो महाजनपद में से चंपा किसकी राजधानी थी महाजनपद में चंपा किसकी राजधानी थी तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन ए अंग की राजधानी थी ठीक है चंपा अंग की राजधानी थी दूसरा सवाल है मगध के किस शासक ने कौशल व काशी राज्यों को अधिग्रहित किया था मगध का वो कौन सा शासक था जिसने कौशल और काशी राज्यों को अधिग्रहित किया था आपके पास चार ऑप्शन हैं पहला है बिंबिशार दूसरा है आजाद शत्रु तीसरा है शिशुनाग और चौथा है महापद नंद तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी शत्रु ठीक है शत्रु जो थे उन्होंने कौशल और काशी राज्यों को अधिकृत किया था क्वेश्चन नंबर थर्ड है मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी सबसे पहले मगध की राजधानी कौन सी थी अगेन आपके पास चार ऑप्शन है पहला है पाटलिपुत्र दूसरा वैशाली और तीसरा ग्रीवरचा चौथा है चंपा सो so, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी गृह वर्जा मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी गृहवरजा थी नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए महाजनपद और उनकी राजधानी जैसे पहला है मत्स्य विराटनगर दूसरा है अंग चंपा तीसरा है वत्स कोसाम्बी और चौथा है डी अवंती और उज्जैनी तो आपको ये सुमेलित नहीं है आपको सुमेलित करना है ठीक है इसका ऑप्शन ए हो जाएगा कि ये चारों ही पहले से सुमेलित है जैसे मत्स्य विराट नगर उसकी राजधानी थी अंग की राजधानी चंपा थी और मत्स्य की राजधानी कोसाम्बी थी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर नदियों से एक सवाल है ठीक है नदियों से एक सवाल है कौन सी नदियों ने मगध के यातायात जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था वो कौन सी नदियाँ थीं जिन्होंने मगध के यातायात जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने में अपना योगदान दिया था तो वो था जरा एक बार आप लोग देखिए पहला है गोदावरी और तुंगभद्रा दूसरा है गंगा और सोन नदी तीसरा है चंबल और माही नदी चौथा है कृष्णा और कावेरी नदी तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा गंगा और सोन नदी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलह महाजन पदों में मगध प्रथम क्यों था मगध इतना चर्चित क्यों था सोलह महाजन पद सबसे ज़्यादा फेमस आपका मगध महाजन पद ही क्यों था ऑप्शन है खेती की उपज अच्छा होना सेकंड ऑप्शन है लोहे की खदानें होना थर्ड ऑप्शन है जंगली हाथी का उपलब्ध होना और चौथा है ये सभी ठीक है तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा खेती की उपज अच्छी होना लोहे का खदान होना जंगली हाथी का उपलब्ध होना इट मीन्स की ये सभी ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर ठीक है ऑप्शन डी सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है इट मीन्स कि सारे गलत है और कोई एक ही युग में है जो सही है एक जोड़ा सही है अब यहाँ पर देखिए महाजनपद है एक तरफ और एक तरफ है नगर का नाम जैसे गांधार और नगर है मथुरा बी में है अंग और उज्जैन सी में है अवंती और सोतवती और डी ऑप्शन है कम्बोज और राजपुर तो ये कौन सा है जो सही है सो योर ऑप्शन विल बी डी कंबोज और रायपुर यही सही है बाकी सारे युग्म गलत हैं ठीक है कंबोज और रायपुर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट थे जिस राजा ने कलिंग नहर खुदवाई वह था कलिंग नहर खुदवाने वाला राजा कौन था हरियक राजवंश का था या शिशुनाग राजवंश का था या नंद राजवंश का था या मौर्य राजवंश का था आपको बताना है सही आंसर योर so करेक्ट ऑप्शन विल भी ऑप्शन सी वो नंदवंश का था जिस राजा ने कलिंग नहर खुदवाई थी वो नंदवंश वो नंद राजवंश का राजा था नंद राजवंश का फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है प्राचीन राज्य वत्स की राजधानी का नाम बताइए जो प्राचीन राज्य वत्स्य था उसकी राजधानी क्या थी शुक्तुमती मथुरा कोसाम्बी या वाराणसी सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी कोसाम्बी ठीक है सी ऑप्शन सी कोसाम्बी टेंथ नंबर क्वेश्चन है सूची वन महाजनपद को सूची टू राजधानी के साथ सुलेमित, सुमेलित करिए एवं दिए गए कूटों के, के आधार पर सही विकल्प चुनिए तो आपको फिर से अगेन मैच करना है जैसे दिया है काशी अंग वज्जी और वस इन सबको इनकी राजधानी के साथ मैच करना है तो आपको इसको मैच करना है ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है तो काशी है काशी किसके साथ जाएगा काशी आपका वाराणसी काशी आपका जाएगा कहाँ वाराणसी के साथ और अंग चंपा के साथ जाएगा ठीक है वज्जी जो है वज्जी वो वैशाली के साथ जाएगा और थर्ड जो वत्स है वो कोशाम्बी के साथ जाएगा इट मीन्स कि आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है ऑप्शन नंबर सी टू फोर वन थ्री नेक्स्ट ऋग्वेदिकता में कितने मंडल थे ऋग्वेदिक संहिता में कितने मंडल थे फर्स्ट ऑप्शन है इलेवेन्थ सेकंड है ट्वेल्थ थर्ड है ट्वेंटी और फोर्थ है टेंथ तो आपको बताना है कि कितने थे ऋग्वेदिक संहिता में कुल दस मंडल थे है ना दस मंडल थे ऑप्शन डी विल भी करेक्ट ऑप्शन और इसके लिए मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डाल दी हूँ जैसे रिंग वैदिक संहिता में दस मंडल हैं टोटल तो दस मंडल हैं और ये मंडल विभिन्न देवताओं को समर्पित भजनों का एक संग्रह है अलग अलग देवता के लिए अलग अलग भजन का एक संग्रह है ये भजन वैदिक संस्कृत में रचित हैं और किसी भी इंडो यूरोपियन भाषा के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से हैं थोड़ा सा एडिशनल जानकारी आप लोगों को रखना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर के माइंड के ऊपर डिपेंड करता है ना कब को किस चीज़ को उठाकर उसको क्वेश्चन बना दे नेक्स्ट पॉइंट है ऋग्वेद हिंदू धर्म के चार पवित्र ग्रंथों श्रुति में से एक है जिन्हें वेदों के रूप में जाना जाता है प्रत्येक मंडल की लंबाई और विषय वस्तु अलग अलग होती है जिसमें दूसरे से सातवें तक का मंडल सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है रिंग वेद दस पुस्तकों में विभाजित है जिन्हें दस मंडल के नाम से जाना जाता है ठीक है इन्हें दस मंडल क्यों कहते हैं क्योंकि दस पुस्तकों में ये विभाजित है और इसमें टोटल एक हज़ार अट्ठाईस सूक्त हैं और दस हजार छः सौ मंत्रों का ये एक संग्रह है इतने सारे मंत्र हैं इसमें ये भजन विभिन्न देवताओं जैसे अग्नि इंद्र और सोम इन देवताओं को समर्पित है ऋग्वेद विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है सबसे पुराना भी इसी को माना जाता है प्राचीन ग्रंथों में से ये एक है और प्राचीन इंडो यूरोपियन भाषाओं और संस्कृतियों के अध्ययन में एक प्रमुख ग्रंथ है ऋग्वेद प्रारंभिक वैदिक सभ्यता और उनकी धार्मिक प्रथाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जिनको याद रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट सत्यमेव जयते सत्य की विजय होती है किस लिपि में लिखा गया है सत्यमेव जयते हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं सत्यमेव जयते जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है यहाँ पर इसकी लिपि पूछ ली गई है ब्राह्मी लिपि थाई लिपि देवनागरी या उपरोक्त में से एक से अधिक और इसमें से कोई नहीं तो आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा देवनागरी लिपि क्योंकि ये जो सत्यमेव जयते ये मुंडक उपनिषद में आ, से लिया गया है और यह देवनागरी लिपि में लिखी गई है ठीक है ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर देवनागरी लिपि थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इसमें भी देखिए जरा सा सत्यमेव जयते एक संस्कृत का वाक्यांश है जिनका अर्थ है केवल सत्य की विजय होती है केवल और केवल सत्य की विजय होती है यह वाक्यांश भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है देखिए बता दिया आपको यह देवनागरी लिपि में अंकित है इस लिपि का उपयोग हिंदी और संस्कृत सहित कई भारतीय भाषाओं को लिखने के लिए किया जाता है इसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा ओवरव्यू है ब्राह्मी लिपि के बारे में तो ये ब्राह्मी लिपि एक प्राचीन लिपि जो देवनागरी सहित कई आधुनिक भारतीय लिपियों की मूल रूप है उसके बाद है थाई लिपि जो कि थाईलैंड की है ये थाईलैंड में प्रयुक्त एक लिपि है जो भारतीय लिपियों से पूर्णतः भिन्न है कोई सिमिलैरिटी इसमें नहीं है नेक्स्ट है देवनागरी लिपि इसका महत्व क्या है यह भारत में सबसे अधिक प्रयुक्त और पहचानी जाने वाली लिपियों में से एक है यह अक्षरों के शीर्ष पर बनी विशिष्ट क्षैतिज रेखा के लिए जानी जाती है ठीक है नाव नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद स्थित थे उत्तर प्रदेश की बात हो रही है कितने महाजनपद थे आठ पाँच दस या इनमें से बहुत ज़्यादा और इनमें से कोई नहीं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ये ओवरऑल तो सबको पता है कि थे यूपी में कितने थे महाजनपद तो यूपी में आठ महाजनपद थे ठीक है थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है इसके साथ ही साथ जरा आप लोग इसको देखिए तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके माइंड में बैठ जाएगा जैसे है महाजनपद छठी शताब्दी के दौरान गठित बड़े क्षेत्रीय राज्य थे महाजनपद ज़्यादातर विंध्य के उत्तर में स्थित थे कहाँ स्थित थे ये विंध्य के उत्तर में स्थित थे इसके बाद है बौद्ध ग्रंथों में बौद्ध ग्रंथों जैसे अंगूतर निकाय और महावास्तु के अनुसार सोलह महाजनपद थे कितने महाजनपद थे सोलह थे इसमें ये भी कह देगा कि किसके अनुसार सोलह महाजनपद थे तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी कि अंगूतर निकाय और महावास्तु के अनुसार सोलह महाजनपद थे सोलह महाजनपदों में से केवल आठ यूपी में स्थित थे सोलह में से आठ के आठ यूपी में एक ही स्टेट में मिल गया उनको आठ महाजनपद कुरु, पांचाल सुरसैन वत्स कौशल मल काशी और चेंदी थे मतलब आठ महाजनपद सिर्फ यूपी में थे और आठ अलग अलग जगह में थे तो ये उन आठों का ये जगहों का नाम है ये सारे का नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है देखिए जरा सा जैसे महाजनपद है कुरु पंचाल सुरसैन तो उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ अहिष्ठत्र कांपिल्य कहाँ स्थित था तो मेरठ में दिल्ली में बरेली में ये आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा ठीक है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के लिए कलेक्ट किया है नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय सूत्र किसने लिखा है न्याय सूत्र तो न्याय सूत्र किसने लिखा है ब्यास ने गौतम ने कपिल ने उपयुक्त में से एक से अधिक ने या फिर किसी ने नहीं तो न्याय सूत्र आपका गौतम ने लिखा है ठीक है न्याय सूत्र से गौतम को याद रखिएगा कि न्याय सूत्र गौतम ने लिखा है इसके बारे में थोड़ा सा है न्याय सूत्र एक प्राचीन क्या होता है न्याय सूत्र थोड़ा सा जानिए न्याय सूत्र एक प्राचीन शंस्... भारतीय संस्कृत ग्रंथ है जो अक्षपाद गौतम द्वारा रचित है और हिंदू दर्शन के न्याय संस्था का आधारभूत पाठ है गौतम द्वारा रचित है अच्छा इसमें है फिर व्यास वेदांत सूत्र है कपिल सांख्य सूत्र है और चरक सुश्रुत संहिता के लेखक और आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं तो ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जरा देखिएगा याद रखिएगा नेक्स्ट वन है उत्तर वैदिक अनुष्ठानों में सोमरस शब्द का क्या तात्पर्य है उत्तर वैदिक अनुष्ठानों में सोमरस शब्द का क्या तात्पर्य पका हुआ चीनी मिट्टी का एक प्रकार है क्या विशिष्ट वृक्ष है क्या वनस्पति से तैयार किया गया एक अनुष्ठानिक नशीला पेय है या बलि में इस्तेमाल किया जाने वाला एक हथियार है तो क्या हो जाएगा आपका आंसर इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वनस्पति से तैयार किया गया एक अनुष्ठानिक नशीला पेय है क्या सोमरस जो को चढ़ाया जाता है सोमरस शब्द वैदिक यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले पवित्र अनुष्ठानिक पेय को संदर्भित करता है विशेष रूप से उत्तर वैदिक काल के दौरान सोम वह वनस्पति है जिससे यह पेय बनाया जाता था तथा पौधे और उनके रस से जुड़ा देवता भी है सोम रस तैयार करने में पौधा सो, सोमा पौधे से रस निकालकर उसे भेड़ के ऊन से छानना शामिल है अनुष्ठानों के दौरान देवताओं को सोम अर्पित किया जाता था और पुजारी तथा प्रतिभागी इसका सेवन करते थे आगे आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय जा रहा है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है पढ़ लीजिएगा तो आप ही लोग के काम आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है वो कौन सा वेद है जिसमें सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है ठीक है तो वो रिंग वेद है क्योंकि रिंग वेद ही सबसे पुराना वेद है तो जाहिर सी बात है कि जो सबसे पहले है और सबसे पुराना है उसी में सारी जानकारियाँ होगी ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर ये देखिए रिंग वेद वेदों के रूप में जाने वाले जाए जाने जाने जाए वाले भजनों और अन्य पवित्र ग्रंथों के चार संग्रहों में से सबसे पुराना है इनमें प्रारंभिक वैदिक काल के धार्मिक और सामाजिक जीवन के बारे में अधिकांश जानकारी भी शामिल इन कार्यों को आर्यनों का पवित्र ज्ञान माना जाता था ऋग्वेद में विचार भी शामिल है जो भारत की जातियों की व्यवस्था के आधार के रूप में कार्य करते हैं ठीक है ब्राह्मणवादी विचारधारा के अनुसार वर्ण का अर्थ समाज को वर्गों में क्रमबित करते हैं ये देखिए वेदों <coughs> से जुड़ी हुई ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आप लोग पढ़ लीजिएगा आप लोग के काम आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है वैशाली निम्न में से किस महाजन पद की राजधानी थी किस महाजन पद की राजधानी थी वैशाली तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ बज्जी की राजधानी थी ऑप्शन ए ठीक है किसकी राजधानी थी बज्जी की राजधानी थी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन वैशाली जो कि बज्जी महाजनपद की राजधानी थी इसलिए विकल्प वन सही है यह बिहार राज्य में गंगा नदी के उत्तर में स्थित है और बिहार के वैशाली और मुजफ्फर ज़िले में शामिल है यहाँ पर आप देख सकते हैं महाजनपद और उनकी राजधानी जैसे बज्जी वैशाली कौशल श्रावस्ती काशी वाराणसी और मगध पाटलिपुत्रा ठीक है तो ये सब याद रखिएगा नेक्स्ट है वैदिक काल में आठ प्रकार के जो विवाह होते थे उनमें से कौन सा विवाह प्रेम विवाह है कौन सा विवाह प्रेम विवाह है तो ब्रह्मा विवाह है गांधर्व विवाह है देव विवाह या आर्ष विवाह तो देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रेम विवाह के लिए गांधर्व विवाह को कंसिडर किया जाता है ऑप्शन बी गांधर्व विवाह भी ठीक है नेक्स्ट वन है कुछ विवाह के बारे में और कुछ जानकारियाँ यहाँ पर है देख सकते हैं आप लोग ब्रह्म विवाह क्या होता है वैदिक अनुष्ठानों के साथ समान वर्ण है गंधर्व विवाह को प्रेम विवाह देव विवाह भी है आर्स विवाह भी है विवाह का पूरा विवरण है ठीक है दहेज के बिना किया गया विवाह को क्या कहते हैं ये सारे विवाह हैं पैसाच विवाह जिसमें जबरदस्ती शादी करवाई जाती है नेक्स्ट है रिंग को डैश पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है तो रिंगवेद को हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है ना दस दस मंडलों में विभाजित किया गया है दस मंडलों में ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर ठीक है थोड़ा सा पढ़िएगा इसमें रिंगवेद को दस मंडलों में विभाजित किया गया है पहला और दसवा सबसे नवीन और लंबा है गायत्री मंत्र को रिंग वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है मंडल नौ में पूरी तरह से सोम को समर्पित है दसवें मंडल में पुरुष सूक्त है जो चार वर्णों का वर्णन करता है और ब्रह्मा या पुरुष के मुंह हाथ जांग पैर आदि पैरों से पैदा हुए थे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बात करने वाली नासाड़िया दसवें मंडल में ही है उसके बाद थोड़ा और है बेदों को हिंदू धर्म का पहला धार्मिक ग्रंथ माना जाता है <laughs> नेक्स्ट है प्राचीन शहर चंपा को डैश प्राचीन शहर चंपा को डैश की राजधानी माना जाता है किसकी राजधानी तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंग की राजधानी ठीक है ऑप्शन नंबर सी अंग की राजधानी और अंग क्या है एक प्राचीन भारतीय राज्य था जो पूर्वी भारतीय महाद्वीप में फला फूला और यह सोलह महाजन पदों में से एक था और अभी यह वर्तमान में कहाँ है भागलपुर मुंगेर जिला ठीक और अथर्ववेद के बारे में भी जानकारी है अंग के प्रथम राजा बली और अंतिम राजा ब्रह्मदेत थे ये याद रखिएगा ये राज्य और राजधानी है राजधानी और महाजनपद है जैसे बजी विदेह अंग की राजधानी चंपा और कांसे की वाराणसी है नेक्स्ट क्वेश्चन है <coughs> मुद्रित मुद्रित सिक्के आमतौर पर किससे बने होते थे मुद्रित सिक्के ठीक है तो ये आमतौर पर किससे बने होते थे चांदी के बने होते थे आमतौर पर चांदी के बने होते थे ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर और मैं आप लोगों को ज़रा सा दिखाना चाहूँगी ये आप लोग जरा पढ़ लीजिएगा यह भारत में एक प्रकार का प्रारंभिक सिक्का है जो छठी और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच का है ठीक है एडिशनल इंफॉर्मेशन है पढ़ लीजिएगा तो आप ही के काम आएगा ये देखिए सिक्के है ना मुद्रित सिक्के ये ऐसे चांदी के सिक्के हुआ करते थे चांदी के सिक्के नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध काल में वज्जी महाजनपद की राजधानी डैश थी क्या थी पावापुरी चंपा महिष्मी या वैशाली तो आपका आंसर हो जाएगा वैशाली ठीक है ऑप्शन डी ये सब आप लोग देखिएगा जरा पढ़ लीजिए अगला क्वेश्चन है रिंगवेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक ऋचा है तो ये आपको बताना है कि वो दो नदियां कौन सी थी जिसके बीच में संवाद के रूप में एक ऋचा है तो आपका ऑप्शन है गंगा और यमुना अलकनंदा और भागीरथी रावी और चिना और ब्यास और सतलज शतलज करेक्ट ऑप्शन विल बी ब्याज और ब्यास और सतलज ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन ठीक है देखिए थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है पहली बार रचित और मुद्रित किए जाने के कुछ शताब्दियों बाद 200 वर्ष से भी कम समय पूर्व लिखा गया था और सब ये रिंग वेद और सबसे प्राचीन वेद रिंग वेद है जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी ठीक जिस है जिसमें 1000 से अधिक ऋचाए हैं भजन या सूक्त कहा जाता है ये सब याद रखिएगा अर्थवेद अर्थवेद खंडों का एक संग्रह है कितने खंडों का बीस खंडों का है ना ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बीस खंडों का बीस खंडों का एक संग्रह है अर्थवेद बीस खंडों का एक संग्रह है अर्थवों का ज्ञान और भंडार जैन दैनिक जीवन की प्रक्रियाएं सब इसमें शामिल है ये सब आप लोग देख लीजिएगा चारों वेदों को मैंने यहाँ आप लोगों के लिए कलेक्ट किया है यजुर्वेद साम वेद रिंग वेद और अथर्ववेद बहुत इम्पॉर्टेंट है ये इसको ज़रा देखिएगा मंत्रों की संख्या कितनी है मंडलों की संख्या कितनी है सूक्तों की संख्या कितनी है बहुत सारे अजीब अजीब सवाल एग्जामिनर सेट कर सकता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और तंत्र मंत्र के बारे में बात करता है तो ये एक इंपॉर्टेंट है जादू काला जादू तंत्र मंत्र के बारे में कौन सा वेद है जो बात करता है तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अथर्व वेद ठीक है अथर्व वेद है जो जादू टोना और काले जादू की बात करता है ये देखिए चारों वेदों में अथर्व वेद ही है जड़ी बूटी ये सब औषधि दवा इन सब की बात करता है एंड आई थिंक ये हमारे आज के महाजनपद और वैदिक काल के क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो रहे हैं और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा आई होप ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं संभावित क्वेश्चन हैं आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक का एक एक निचोड़ ढूंढ़ ढूंढ़कर कर यहाँ कलेक्ट करके मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा हंड्रेड परसेंट चांसेस है कि क्वेश्चन आखिर बनेंगे तो कहाँ से बनेंगे टॉपिक से ही बनेंगे ना तो टॉपिक का तो सब कुछ निचोड़ हम लोगों ने उठा लिया है अब वो कहाँ से पूछेगा तो आई होप कि आप लोगों को ये सेशन समझ में आ रहा है और इसके साथ ही आपकी तैयारी भी अच्छी हो रही है तो इसी के साथ थैंक यू थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक, तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग